खबर है अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव नतीजे जिसके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तस्वीर साफ होगी अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है और इसी को लेकर बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, वो स्विंग स्टेट्स जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, 7 स्विंग स्टेट्स हैं। इन स्विंग स्टेट में कमला हैरिस को फिलहाल बढ़त मिल रही है। स्विंग स्टेट में कमला को 34 इलेक्टोरल वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। स्विंग स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से पिछड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को 32, कमला हैरिस को 34 इलेक्टोरल वोट स्विंग स्टेट से फिलहाल मिल रहे हैं। कुल 7 स्विंग स्टेट्स हैं और इन 7 स्विंग स्टेट्स में 93 इलेक्टोरल वोट्स हैं। और अगर इन स्विंग स्टेट्स की बात की जाए तो मिशिगन, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना, नेवाडा, ये वो स्विंग स्टेट्स हैं जिन पर सबकी नजरें आकर टिकी हुई हैं और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण पेंसिल्वेनिया हो जाता है। और फिलहाल मामला बिल्कुल बराबरी का यहां इन स्विंग स्टेट्स में भी आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर इन स्विंग स्टेट्स की बात की जाए तो देखिए 7 में से अभी सिर्फ 4 स्विंग स्टेट्स जहां पर गिनती शुरू हो चुकी है, 3 स्टेट्स में अभी भी गिनती का सिलसिला शुरू होना बाकी है जो स्विंग स्टेट्स हैं। और फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूयॉर्क में कमला हैरिस जीत गई हैं। न्यूयॉर्क वैसे भी डेमोक्रेटिक स्टेट ही माना जाता है, मतलब हर बार डेमोक्रेट्स की झोली में ही जाता है न्यूयॉर्क और उसके 28 इलेक्टोरल वोट्स। एक बार फिर से न्यूयॉर्क के सभी वोट कमला हैरिस के खाते में जाएंगे। अब 28 की 28 वोट्स न्यूयॉर्क के न्यूयॉर्क में मिली है कमला हैरिस को, बड़ी जीत। तो अभी तक देखिए जो नतीजे आ रहे हैं उसमें कोई उलटफेर नहीं हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में सारा का सारा खेल जो है वो आकर सिमटता है इन्हीं 7 स्विंग स्टेट्स पर। इसीलिए अगर कोई महत्वपूर्ण हो जाता है तो वो स्विंग स्टेट, क्योंकि बाकी जो राज्य हैं वो कमोबेश गढ़ के तौर पर हैं। कुछ राज्य डेमोक्रेट पार्टी के गढ़, कुछ राज्य रिपब्लिक पार्टी के गढ़। और ऐसे में इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, टेक्सास बड़ा राज्य है, 40 यहां पर इलेक्टोरल वोट्स आते हैं और हर बार की तरह टेक्सास एक बार फिर से रिपब्लिकन्स की झोली में गया है। रेड स्टेट टेक्सास डोनाल्ड ट्रंप के खाते में गया है टेक्सास, और इसके साथ ही ये आंकड़े बस बदल जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अब आगे बढ़ते हुए कमला हैरिस के मुकाबले, फिलहाल आप देख रहे हैं 111 और 75 वाला ये आंकड़ा, लेकिन जैसे ही इसमें न्यूयॉर्क और टेक्सास के आंकड़े जुड़ेंगे उसके बाद ये नंबर भी बदल जाएगा। फिलहाल देखिए किस तेजी के साथ तस्वीर साफ हो रही है, लेकिन ये तो वो राज्य है ना जहां पर पता ही था क्या होना है, क्योंकि ये राज्य तो इन पार्टियों के गढ़ के तौर पर ही अपनी पहचान बनाए हुए हैं। और सारा का सारा सस्पेंस जो है वो आकर सिमटता है 7 राज्यों में, वो राज्य जो स्विंग स्टेट्स के तौर पर अपनी पहचान रखे हुए हैं, और उन्हीं राज्यों में इस वक्त मामला बहुत बराबरी का चल रहा है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड पर, हमारी सहयोगी मधु भाटिया इस वक्त मौजूद है। मधु, एक बार फिर से सेट पैटर्न पर न्यूयॉर्क जो है वो डेमोक्रेट्स के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, टेक्सास में रिपब्लिकन्स ने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन सारा सस्पेंस उन्हीं स्विंग स्टेट्स पर जहां 4 में गिनती शुरू हो चुकी है और 2 फिलहाल कमला हैरिस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसीलिए लड़ाई बिल्कुल टक्कर वाली। जी बिल्कुल, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स आए थे उससे ये साफ था कि अगर कमला हैरिस को जीतना, अगर डोनाल्ड ट्रंप को जीतना है तो उन 7 स्विंग स्टेट्स में से उन्हें 5 को जीतना ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि मिशिगन और विस्कॉन्सिन ऐसा लग रहा था एग्जिट पोल्स के दौरान कि एक पॉइंट से वो कमला हैरिस उसमें लीड कर रही हैं। तो अगर मिशिगन और विस्कॉन्सिन कमला हैरिस के पास चला जाता है तो सिर्फ एक राज्य उनको और चाहिए जीतने के लिए, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप को जीतना है तो वो जो 5 राज्य जिन में उनकी लीड दिखा रहे थे स्विंग स्टेट्स में, वो 5 राज्य उन्हें जीतने होंगे 270 का आंकड़ा छूने के लिए। तो फिलहाल जिन 2 राज्यों में वो लीड बढ़ाए हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा 3 राज्य उन्हें और चाहिए होंगे स्विंग स्टेट से, जिसको जीत कर ही वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।